अभी हम जिंदा हैं। हेलो ऑसम पीपल, आपने मदर इंडिया देखी होगी, मदर टेरेसा को भी जानते होंगे, होली मदर के बारे में भी सुना होगा, बट आज हम जैपनीज मदर के बारे में बात करेंगे, जिसके बेटे ने पूरी दुनिया में आतंक फैला रखा है और अपने आतंक से पूरी दुनिया को दीवाना बना रखा है। शायद ये लड़की भी उसकी मॉम से शिनचैन की ही शिकायत कर रही हो। शेकन! शेक बुडो हम! हत्तप अकेलिया! हत्तप शर बियामा तखलेने अर्चाहन! मसोच है! जुम्मा! हाँ बेटा! तेरे बेटे को देख! ये अभी तक मस्ती कर रहा है! अल्लाह! सुधार उसको, सुधार! फिर से पैदा कर उसको! Well, jokes apart! आज हम मिट्सी के चरित्र चित्रण के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम मिट्सी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे, जैसे कि उसे कौन सी बीमारी है, उसे कौन सा स्नैक पसंद है, शिनचैन की मॉम का कैरेक्टर रियल लाइफ में किससे इंस्पायर्ड है, उसकी रियल एज क्या है या फिर शादी के टाइम उसकी एज क्या थी, उसकी हिंदी डबिंग आर्टिस्ट कौन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। गाइज, वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैंने ये भी बताया है कि नेक्स्ट वीडियो किस एनिमे पर आएगा, वो एनिमे यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल भी है। तो लेट्स बिगिन। शिनचैन की मॉम का नाम है मिसाई नोहारा या मिट्सी नोहारा, एज वी हैव हर्ड इन हिंदी वर्जन ऑफ द एनिमे। मिट्सी का कैरेक्टर योशितो उसुई की मांगा क्रेयॉन शिनचैन का फिक्शनल कैरेक्टर है, जिसको एनिमे में आवाज दी है मिकी नाराहाशी ने जैपनीज डब में, एंड हिंदी में आवाज दी है दीपा रॉय ने। हिंदी डब में मुझे गीता वर्मा और पल्लवी भारती जी का भी नाम मिला था। अगर किसी को कन्फर्म पता हो कि अभी शिनचैन की मॉम की आवाज़ कौन है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अकॉर्डिंग टू मांगा, मित्सी कोयामा का जन्म 10 अक्टूबर को जापान की क्यूशू आइलैंड के कुमोमोतो प्रेफेक्चर में योशी हारू कोयामा के घर एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, बट एनिमे में उसकी डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर। शादी से पहले की लाइफ की बात करें तो शिनचैन की मॉम स्कूल टाइम में एक बास्केटबॉल प्लेयर रह चुकी है, ड्रामा क्लब की भी मेंबर रह चुकी है वो, साथ ही वो ओया मादा बुसान कंपनी में ऑफिस लेडी भी रह चुकी है। फिर उसकी मुलाकात 21 साल की उम्र में हिरोशी नोहारा से हुई, फिर दोनों ने आपस में शादी कर ली एंड मिट्सी ने फुल टाइम हाउसवाइफ बनने का फैसला ले लिया। अब वो दो तूफानी बच्चों को संभालती है और फ्री टाइम में थोड़ी झपकी भी ले लेती है, जो कि वो समझती है कि एक हाउसवाइफ का राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है बोले तो। वैसे आप भी अपने फ्री टाइम में झपकी लेने के अलावा एक अच्छा काम कर सकते हैं, कुकू FM पर ऑडियो शोज सुनकर। ये एक ऐसा ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप ढेर सारी बुक्स और बायोग्राफीज सुन सकते हैं। यहां रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, एटॉमिक हैबिट्स, चाणक्य नीति, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी 5000 प्लस बुक समरी और ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। इन ऑडियो बुक्स को आप कभी भी सुन सकते हैं, वर्कआउट करते टाइम, कोई काम करते टाइम जैसे वॉकिंग, कुकिंग या फिर मेरी तरह रात को सोने से पहले। ऐसा करने से मुझे मस्त नींद भी आती है और ऑडियो बुक्स की नॉलेज भी मिल जाती है। 4.5 प्लस रेटिंग वाली और 1 मिलियन प्लस पेड एक्टिव सब्सक्राइबर्स वाली इस ऐप का एनुअल सब्सक्रिप्शन सिर्फ 399 रुपीज़ का है, एंड अगर आप स्क्रीन पर दिखाया हुआ प्रोमो कोड यूज़ करोगे तो सिर्फ 199 रुपीज़ में आप इस ऐप को एंजॉय कर सकते हैं। ये कोड सिर्फ फर्स्ट 200 यूजर्स के लिए अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से कुकू FM ऐप डाउनलोड करो और सारी ऑडियो बुक्स को एंजॉय करो। मिट्सी को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, कब्जी की, बोले तो कॉन्स्टिपेशन, मतलब उसे सोरे सांस पहुंच ही नहीं आती है। अगर आप इस बीमारी को हल्के में ले रहे हो तो जरा ये सुन लो। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर हजार बीमारियों की जड़ है, इसे इग्नोर न करें। भाई सही में, अगर पेट साफ ना हो तो पूरा दिन बहुत भारी निकलता है। अगर आप अभी छोटे हैं तो जैसे जैसे बड़े होंगे आपको पता चलेगा। शिनचैन की मॉम को इतना भारी कॉन्स्टिपेशन है कि वह अक्सर इस वजह से चिड़चिड़ी रहती है, पर जब उसका पेट साफ हो जाता है तो वो कैलेंडर में स्माइली फेस ड्रॉ करती है और कैलेंडर में उस डेट की एंट्री भी करती है जिस दिन उसे आराम से पॉटी आई होती है। वेल, ऐसा सिर्फ एनीमे में ही है, मांगा में नहीं है। वैसे तो शिनचैन की मॉम को एक्सपेंसिव नॉनवेज फूड काफ़ी पसंद है, बट टाइम पास करने के लिए जिस तरह हम सब चिप्स बिस्किट खाते हैं उसी तरह शिनचैन की मॉम सेनबेई खाती है, जिन्हें सोका राइस क्रैकर्स भी बोलते हैं। ये स्नैक्स चावल और गेहूं से बनते हैं। इसके अलावा शिनचैन की मॉम एक नंबर की दारूड़ी भी है, हालांकि वो बहुत कम शराब पीती है, बट ओकेजन पर या अपनी फ्रेंड कीको के साथ बैठकर लिटिल लिटिल टिका लेती है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है,
पेरेंट्स ने पकड़ लिया तो जूते पिघल सकते हैं। वैसे तो मिट्सी एक बहुत ही लविंग वाइफ और केयरिंग मदर है, बट उसका मूड कब बदल जाए ये बात वो खुद भी नहीं जानती। आपने पूरी सीरीज में मिट्सी को खुश कम और गुस्से में ज़्यादा देखा होगा। ऐसा हो भी क्यों ना, जिसकी औलाद शिनचैन जैसी हो वो आखिर में करे तो करे भी क्या। उसी चक्कर में शिनचैन अपनी माँ से बहुत कुटाई खाता है, जिसमें वो अक्सर शिनचैन की गाल खींच कर 2 किलोमीटर चौड़े कर देती है, उसके कुल्ले सुझा देती है और ये 2 पनिशमेंट्स भी देती है, जिनकी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में शेयर कर रखी है। इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना वो वाला वीडियो। वैसे शिनचैन के अलावा हिरोशी भी मिट्सी की लपेटे में आ जाता है कई बार। बेचारे कभी कभी गाल नोच दिए जाते हैं, कभी उसके झांपड़ पड़ जाते हैं और कभी उसका खोपड़ा सुझा दिया जाता है। मिट्सी नोहारा के लुक्स की बात करें तो उसका लुक जापान में वर्ल्ड वॉर टू के बाद के टिपिकल हाउसवाइफ वाला लुक है। उसके हेयर स्टाइल और लुक्स के साथ भी टाइम टू टाइम काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स होते रहे हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ये सभी लुक्स शिनचैन एनिमे के अलग अलग एनिमेशन डायरेक्टर्स द्वारा बनाए गए हैं शिनचैन एनिमे के अब तक के टेलीकास्ट में, तो आप देख सकते हो कि कैसे रियल लाइफ जैपनीज वुमन पर बेस्ड है इसका कैरेक्टर। नेक्स्ट वीडियो मेरा असासिनेशन क्लासरूम पर होगा। अगर आपने अभी तक वो एनिमे नहीं देखा तो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है वो एनिमे म्यूज एशिया चैनल पर, आप वहां से देख लेना। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से कुकू एफएम ऐप डाउनलोड करना ना भूलना और प्रोमो कोड भी जरूर यूज करना और ऑडियो शोज को अच्छे से सुनना भाई लोग। वीडियो पसंद आया तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू ऑसम फैक्ट्स। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी ही। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ऑसम।